नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है राशि चक्र की 12वीं राशि, जल तत्व की राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2020 का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में। तो आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र 12 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि मीन है और ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। कोई भी साल के अंदर 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्म के सूर्य भी आपके मीन राशि में है तो भी प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों मीन राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु ग्रह के ट्रांजिट से। तो गुरु ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से 10वें स्थान के अंदर है। मीन राशि वाले जातकों के लिए गुरु 10वें स्थान के अंदर धनु राशि के अंदर बिजनेस में करियर में धीमी गति से प्रोग्रेस करवाने वाले हैं। धीमी गति से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि गुरु के लिए ऐसा कहते हैं भावती भाव दोष कारकम। गुरु जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव के फल को थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस हिसाब से गुरु करियर के स्थान के अंदर है, बिजनेस के स्थान के अंदर है तो स्लोली प्रोग्रेस करवाएंगे। हालांकि कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले होंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है बहुत शुभ मानी जाती है। मकान वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि के कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो भी आपका सक्सेसफुल होगा और रोग शत्रु पर आपको ये विजय देने वाला बनेंगे। तो गुरु का ट्रांजिट एक्सट्रीमली आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे सब ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह की ट्रांजिट से। तो सूर्य का जो फल है वो आपकी राशि से 6वें स्थान के अंदर है जो कि रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं। 16 सितंबर 2020 को सूर्य राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपकी राशि से सप्तम स्थान के अंदर। तो इसको बोलेंगे कन्या संक्रांति क्योंकि सिंह में से सूर्य कन्या में जाएंगे, इसको कन्या संक्रांति बोलेंगे। और कन्या संक्रांति जो है वो आपके लिए थोड़ी मध्यम फलदायी होगी क्योंकि सिंह क्रांति जो है वो आपके 6वें स्थान के अंदर है। सिंह राशि के जो सूर्य है 16 सितंबर तक आपके लिए ज़्यादा शुभ है। तो बिजनेस करियर नौकरी रिलेशन विद फादर गवर्नमेंट कामकाज कुछ भी करना है तो 16 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत शुभ होगा। 16 सितंबर के बाद जो सूर्य चलेंगे सप्तम स्थान के अंदर दाम्पत्य जीवन के स्थान के अंदर तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो विवाहित जो जातक है इनको खास करके दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ केयर करना होगा। 16 सितंबर को सूर्य शाम को 7:08 पर इंडिया टाइम पर राशि परिवर्तन करते हैं, इसको बोलेंगे कन्या संक्रांति। तो कन्या संक्रांति का जो पुण्यकाल रहेगा दोपहर में 12:30-1 से लेकर सूर्य अस्त तक रहेगा। तो आने वाले सूर्य ट्रांजिट की शांति के लिए आपको मैक्सिमम ध्यान मंत्र करना है, सूर्य का दर्शन करना है, गाय को खिलाना है, भैंस को खिलाना है और खाना खाने के बाद इलायची का प्रयोग करना है। तो आने वाले सूर्य की शांति के लिए दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन करें। और जो भी जातक का बिजनेस में पार्टनरशिप है या तो मैरिड है ये जातकों को खास करके रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा केयर करना होगा 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह जो है वो 2 सितंबर तक सिंह राशि के अंदर है जो कि आपके शत्रुओं के ऊपर भौतिक विजय दिलवाने वाले हैं। इसके बाद बुध चलेंगे 2 से लेकर 22 तारीख तक आपके सप्तम स्थान के अंदर चलेंगे, यहाँ पर उच्च राशि में चलेंगे तो जिसके कारण पब्लिक लाइफ के अंदर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और 22 तारीख के बाद बुध चलेंगे आपके अष्टम स्थान के अंदर तुला राशि में तो 22 तारीख के बाद बुध का फल आपके लिए शुभ नहीं होगा क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब 8वें एवं 12वें स्थान में बुध चलते हैं तो बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। तो ऐसी परिस्थिति में लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए जो डेट रहेगा 22 सितंबर के बाद। तो लव मैटर के शुक्र ग्रह आपके लिए क्या ट्रांजिट लाते हैं इस मंथ के अंदर। 31 अगस्त को शुक्र आपकी राशि से पंचम स्थान में चल पड़ेंगे।
जो कि आपके लिए बहुत शुभ है। 27 सितंबर तक आपके लव मैटर में सक्सेस देने वाले बनेंगे। 27 सितंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके चलेंगे छठवें स्थान के अंदर, तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए शुभ फल देने वाला होगा, रोग क्षेत्रों पर विजय देने वाला होगा, लग्जरियस एक्सपेंसेस आपका बढ़ाने वाला होगा। तो मंगल ग्रह जो है वो आपके धनस्थान के अंदर चल रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। 16 सितंबर से लेकर 16 अगस्त से लेकर 4 अक्टूबर तक जो मंगल का भ्रमण है आपके धनस्थान के अंदर, ये मंगल यहाँ पर स्वग्रही है, जिसके कारण आपको फैमिली एंड फाइनेंशियल मैटर के अंदर वृद्धि होगी और खास करके वाणी में भी संयम बरतना होगा, और वो भी कुटुंब के अंदर, और आंखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। एक महत्व की ट्रांजिट हो रही है इस मंथ के अंदर, 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु जो कि आपकी राशि से चौथे स्थान के अंदर चल रहे हैं, ये अब राशि परिवर्तन करके चलेंगे आपके पराक्रम स्थान के अंदर, तीसरे भाव के अंदर, साहस भुवन के अंदर आपके जो राहु हैं ये आपके लिए सक्सेस करवाने वाले होंगे, नए साहस से आपको लाभ करवाने वाले होंगे। और केतु जो आपके चल रहे हैं दसवें स्थान के अंदर, ये अब चलेंगे आपके भाग्य स्थान के अंदर, तो केतु आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। और इसकी शांति के लिए क्या करना होगा, राहु शांति के लिए गाय को गुड़ खिलाना है, क्योंकि राहु मृगशिरा नक्षत्र में चलने वाले हैं। इसके लिए ब्रदर सिस्टर्स एवं नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना आ जाए, उसके लिए गाय को गुड़ खिलाना है। और केतु शांति के लिए कबूतर पक्षी जहाँ पर आते हैं वहाँ पे आपको हरा वाला मूंग डालना है। कुल मिला के क्या कहेंगे इस मंथ का सारांश क्या है, कि शनि भी आपके लाभ स्थान के अंदर चल रहे हैं, जो भी आपके बिजनेस में करियर में धीमी गति से प्रोग्रेस करवाने वाले हैं। कुल मिला के ये कहेंगे कि इस मंथ का सारांश इस प्रकार रहेगा कि सूर्य छठवें स्थान के अंदर है, 16 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत शुभ है, इसके बाद का समय भी शुभ है, लेकिन थोड़ा शांति से पास करना होगा, एग्रेसिवनेस पर कंट्रोल करना होगा। तो कौन कौन से डेट्स आपको ज़्यादा टेक केयर करना होगा इस मंथ के अंदर, वो इस प्रकार रहेगा। 1, 2, 3 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कुंभ राशि में, तो कुंभ के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 12वें चंद्र के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 11, 12 और 13 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मिथुन राशि में, तो मिथुन के चंद्र राशि से चौथे स्थान के चंद्र बनते हैं, चौथे चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और वंस अगेन आपको डेट टेक केयर करना होगा 19, 20 और 21 जिसमें चंद्र चलेंगे तुला राशि में, तो तुला के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 8वें चंद्र में भी आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिला के क्या कहेंगे इस मंथ का सारांश इस प्रकार है कि ये मंथ जो है करियर के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग आपके लिए शुभ सक्सेस देने वाला है। 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। तो यदि आपकी जानकारी में आपके कोई मित्र है मीन राशि वाले, या तो जिनका भी जन्म 15 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में हुआ है, इनको वीडियो आप ये जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। अब जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, हेल्दी रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय गणेश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।